बैक इन एस क्लासेज फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग 11th क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, 11th क्लास के एनसीईआरटी बेस्ड मैथमेटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें आपके प्रॉब्लम्स बनाने के लिए आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा या एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो। लेकिन बीइंग अ सीबीएसई स्टूडेंट, यू हैव टू फॉलो एनसीईआरटी बुक्स मेनली। एंड इन आर एस अग्रवाल द डिफरेंट टॉपिक्स मेंशनड इन एनसीईआरटी आर गिवेन इन अ वेरी नाइस वे, वेरी नाइसली अरेंज वे दिए गए हैं आपको टॉपिक आर एस अग्रवाल में। तो आप आर एस अग्रवाल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनसीईआरटी में कम प्रॉब्लम होते हैं, उनको ज़्यादा टाइम्स बनाने की ज़रूरत है, चूँकि मैथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट होता है। और दूसरी बात है कि हम ये जो चैनल चला रहे हैं अप्लाइड साइंस क्लासेज ऑफिशियल बाय संजय सर, तो इसमें आपको क्लास 11th और 12th के केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के अभी कंटिन्यूस चैप्टर्स लेसन्स दिए जा रहे हैं। और जब ये केमिस्ट्री और मैथ हमारे 11th और 12th दोनों क्लास के लिए पूरे हो जाएंगे, तो इसके बाद हम फ्यूचर में फिजिक्स का भी टॉपिक देंगे। उसके बाद इसी चैनल पर हम डिफरेंट टाइप के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे जे इमेंस से रिलेटेड हो, एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड हो, भी हम लोग टॉपिक चलाते रहेंगे। चैनल आपका कंटिन्यूस चलता रहेगा। और स्टूडेंट जो हमारे बोर्ड अपियरिंग हैं या जे इमेंस की तैयारी कर रहे हैं या एयरफोर्स नेवी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूजफुल होगा। और इसके लिए आपसे वैल्यूएबल सजेशंस हमारे पास आना चाहिए, उसके लिए हम आपका वेलकम करते हैं। और साथ में मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को देखिए, समझिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपका नोटिफिकेशन हमेशा अपडेट मिलता रहे, आपको न्यू नोटिफिकेशन खोजने के लिए परेशान नहीं होना पड़े। और अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो आपको कमी लगती है चैनल में, वीडियोज में जो कमी लगती है, आप निसंकोच हमको वहाँ पर व्हाट्सअप से या कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, ताकि हम उसको सुधार करके आपको और अच्छा से अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकें। क्योंकि मेरा वर्क केवल आपके लिए है, हम जो भी करने जा रहे हैं हम यही सोच रहे हैं कि इससे अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो जाए। तो आइए हम लोग 11th क्लास के मैथमेटिक्स की शुरुआत करते हैं। आप एनसीईआरटी सिलेबस में देखेंगे तो सबसे पहला चैप्टर जो होता है हमारा, वो चैप्टर होता है सेट। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हम लोग स्कीपिंग नहीं चाहते हैं, स्कीपिंग नहीं करेंगे कि पहले अलजेब्रा पढ़ा दिया जाए, इसके बाद ट्रिगो पढ़ा दिया जाए, तो इसके बाद ये पढ़ा दिया जाए, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी सिलेबस हम लोग फॉलो कर रहे हैं और इसमें जो भी एनसीईआरटी सिलेबस तैयार किया गया है, जिस ढंग से चैप्टर्स को अरेंज किया गया है, तो उसमें एनसीईआरटी के बहुत सारे लर्नर्स, बहुत सारे विद्वानों की टीम बैठती है और एक्सपर्ट्स की टीम बैठती है, वो सब लोग मिल करके डिसाइड करते हैं, सीक्वेंस ऑफ चैप्टर बनाते हैं। तो उनका भी कुछ मोटो होता है, कुछ राइटर्स ऐसे देखने को मिलते हैं कि स्किपिंग करके लिख देते हैं, पढ़ाने में भी कुछ लोग स्किप करके पढ़ाने लगते हैं, तो मेरे हिसाब से अच्छा मेथड नहीं होता है। क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हमारे बनाए हुए हैं, तो उनके बनाने का भी कुछ खास मोटो है और हमको उनको समझने का प्रयास करना चाहिए, न कि उनके जगह पर अपना मेथड इम्प्लाई ना चाहिए। हम लोग अपने मेथड से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर स्किपिंग मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। तो आइए हम लोग सेट थ्योरी की बात करते हैं, सेट की शुरुआत करते हैं कि सेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग सेट की बात करते हैं। तो सेट क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स भी आप लिख सकते हैं। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या हुए? तो वे कलेक्शन, तो आप समझ रहे हैं कि एक से ज़्यादा चीज़ों को मिला करके एक जगह रखा जाता है कलेक्टिवली, उनको हम लोग कलेक्शन बोलते हैं। और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या हुए?
तो उसमें जो ऑब्जेक्ट्स लिए जाते हैं या जो मेंबर्स लिए जाते हैं, जो एलिमेंट्स लिए जाते हैं, वो सब लोगों की जानकारी में सेम हो, तो वैसे कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास में जाते, किसी दुकान पर जाते हैं और कहते हैं कि हमको क्लास 11th के NCERT का मैथ का सारा सेट दे दीजिए, तो क्लास 11th में जो जो मैथ पढ़ने वाले को पढ़ना पड़ता है बुक, वो सारा बुक निकाल करके दे देता है। लेकिन अगर ऐसे ही जा करके कहिए जो मुझे बुक दे दीजिए, तो उसके दुकान, उसको तो पूरी दुकान बुक से भरी हुई है, तो उसमें आपको कौन बुक देगा? तो केवल बुक कहने से आइडेंटिफाई नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने ये कहा कि हाँ मुझे क्लास 11th के या क्लास 12th के बुक का सेट दे दीजिए, हम मैथ से हैं, चाहे हम बायो से हैं, चाहे हम कॉमर्स से हैं, तो उस कंडीशन में आपको उसमें चलने वाले जितने भी बुक्स हैं सारे बुक्स को आपको दे देगा। उसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि नंबर्स, तो नंबर्स तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर, तो आप क्लियर हो जाते हैं आपकी 1, 2, 3, 4, 5 ऑन वार्ड्स आपको जाना है। ऐसे ही कहा जाए कि लेटर्स, तो लेटर्स तो बहुत सारे हैं, हर लैंग्वेज में कुछ लेटर्स हैं, लेकिन अगर हम लोग कहें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स, तो आप समझ गए कि ए से जेड तक हमको जाना है। तो उसी तरीके से अगर कहा जाए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वोवेल हैं ए ई आई ओ यू, आप इसको अच्छे से समझ गए कि हमको ए ई आई ओ यू ही पूछा जा रहा है। तो इस तरीके आप कहा जाए कि इंडिया के 10 टॉप 10 प्लेयर्स का, चाहे टॉप 10 टैलेंटेड स्टूडेंट का ग्रुप, तो टॉप 10 टैलेंटेड स्टूडेंट आपके व्यू में कुछ अलग हो सकते हैं, मेरे व्यू में अलग हो सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन के व्यू में अलग हो सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग व्यूअर्स के लिए, अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसे केसेज में वो कलेक्शन तो है, लेकिन हम उसको सेट नहीं कहेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सेट मैथ में जो हम पढ़ते हैं, तो वो उसके एलिमेंट्स वेल डिफाइंड होने चाहिए। अब सेट का एग्जांपल जैसे हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, बी इक्वल्स टू ए बी सी डी, ऐसे कुछ अपना लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये आपके सेट हो गए। अब इस सेट को लिखने के लिए हमेशा ध्यान देंगे कि सेट का जो नाम होता है वह नाम हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जो हमारे पूर्वज मान करके आए हैं, जिस परंपरा को लेकर के वो चल रहे हैं, हम भी उसी को फॉलो करते हैं। तो ए और बी, ऐसे ही सी डी कुछ भी हो सकता है। तो सेट का नाम जो होता है जनरली इंग्लिश के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे एलिमेंट मिडिल ब्रैकेट या कर्लिंग ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, कॉमा दे दे करके। फिर सेट के अंदर के कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लिख दिए, चाहे इसको 2, 3, 1, 4 लिखे, चाहे 3, 2, 1, 4 लिखे, मतलब इसमें किसी को आगे पीछे लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1, 1, 2, 3, 4, चाहे 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4 ऐसा लिखना सेट मीनिंगलेस होता है। सेट में ऐसा नहीं लिखा जाता है, सेट में एक एलिमेंट को केवल एक बार ही लिखा जाता है। तो इस तरीके से सेट को लिखने का ढंग आपने देखा कि रिप्रेजेंटेशन होगा तो कैपिटल लेटर से, और उसके एलिमेंट डिफरेंट जो हैं वो आपस में कॉमा देकर के लिखे जाएंगे। और कैसे लिखे जाएंगे? तो एक कर्लिंग ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट के अंदर। तो अब इसके अलावा इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि और ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स, ऐसे भी सच दैट का सिंबल हो सकता है, या फिर इसको ऐसे भी काट सकते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो इसका भी मीनिंग यही हुआ, चाहे यहां लिख दें कि यह नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 4,
तो उसका भी मीनिंग यही हुआ। लेकिन इन दोनों के टाइप में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लिखा गया है वो डायरेक्ट नंबर लिखा गया है, और इसमें डायरेक्ट नंबर नहीं लिखा गया, नंबर की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लिखी गई जिससे आपको पता चल गया कि इसमें केवल 1, 2, 3 या 4 ही लिखा गया है, बाकी कुछ नहीं लिखा गया है। तो ये एक अलग मेथड हो गया, ये एक अलग मेथड हो गया। जिस मेथड में डायरेक्ट एलिमेंट का नाम लिखा जाता है तो उसको हम लोग लिखते हैं उस मेथड को, सेट रिप्रेजेंटेशन के मेथड को, ये टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। और दूसरा हो गया उसका कि बिल्डर फॉर्म, बिल्डर और सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को लिखने का दो तरीका होता है। हम लोग डायरेक्ट जब नंबर या एलिमेंट को मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, और जब हम उन नंबर्स को डायरेक्ट नहीं लिख करके किसी प्रॉपर्टी के द्वारा लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तब हम उनको कहते हैं बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। तो एलिमेंट्स इसमें क्या होगा, तो एलिमेंट्स एक्सप्रेस्ड बाय यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है इसमें, आई इसमें एलिमेंट्स एक्सप्रेस्ड बाई, एक्सप्रेस्ड बाई डायरेक्ट नेम, ये डायरेक्ट नेम से एक्सप्रेस किया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, ये हो गया आपका बिल्डर फॉर्म। जब आप फर्स्ट एक्सरसाइज बनाने चलेंगे तो वहाँ पर आपको शुरू में जो क्वेश्चन दिया गया होगा, वो क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। तो सेट के डिफिनीशन के आधार पर आप क्लियर कर सकते हैं, जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का ग्रुप कलेक्शन होगा वो सेट होगा, जो ऐसा नहीं होगा वो सेट नहीं होगा। उसके बाद आएगा आपको कि सेट के ये कौन से फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में है तो कहेगा कि उसको आप बिल्डर फॉर्म में लिखिए, या फिर बिल्डर फॉर्म में है कहेगा कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो जब आपको बिल्डर फॉर्म में दिया होगा तो रोस्टर फॉर्म में लिखना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उसमें दी होती है, केवल प्रॉपर्टी को सोच करके आपको उसका आंसर बता देना होता है और मिडिल ब्रैकेट में लिख देना होता है। ये ध्यान देना है कि एलिमेंट को हमेशा मिडिल ब्रैकेट में लिखना है। कभी कभी स्टूडेंट इसको लिख देते हैं कि ए इक्वल्स टू स्मॉल ब्रैकेट दे करके 1, 2, 3, 4, या फिर बिग ब्रैकेट देते हैं 1, 2, 3, 4। ये मेथड आपको सेट के लिए गलत हो जाता है, ये सेट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल ब्रैकेट के कारण गलत हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जब हमको रोस्टर फॉर्म में दिया होता है और बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है तो वहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि हम कैसा प्रॉपर्टी लिखें उसका। बहुत सारे नंबर दिए होंगे तो उसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आपको यूनिकली डिफाइन करना है, मैंने प्रॉपर्टी को ऐसे रूप में लिखना है ताकि उससे केवल उसी एलिमेंट की बात हो जो एलिमेंट आप बना रहे हैं, जिस एलिमेंट को आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो इसलिए जब टेबलर से या रोस्टर फॉर्म से बिल्डर में कन्वर्ट करना होता है तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब इसके बाद ये देख लेते हैं कि एलिमेंट कैसे लिखते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास सेट है, सेट ए में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा दिया गया है। एक सेट दिया गया है बी जिसमें लिखा गया है 2, 3, 4, 6 ऐसे दे दिया गया है।
और सेवन को दे दिया गया है, और तब फिर एट लिख करके ऐसे दे दिया गया। यहाँ दो सेट आपको दिए गए हैं, एक सेट है ए, एक सेट है बी। अब इसमें एलिमेंट की बात हमको समझनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सेट लिखना है, सेट का मेथड, रोस्टर बिल्डर फॉर्म, और उसके बाद एलिमेंट क्या होते हैं इसको सीखना है। इसके बाद वाले एक्सरसाइज के लिए आपको सबसेट सीखना है। तो आज हम लोग एलिमेंट सीख लेंगे, और एलिमेंट्स के बाद देखते हैं तो सबसेट भी बता देंगे। तो पहले हम लोग एलिमेंट की बात करते हैं। तो एलिमेंट में क्या होता है कि कोई भी सेट जब लिखा जाता है रोस्टर फॉर्म में, तो सेट के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स उसके एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये ए में लिखे गए हैं, तो इसका मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों के पांचों सेट ए के मेंबर हैं, यानी उनको एलिमेंट कहेंगे। तो एलिमेंट को लिखने के लिए एक सिंबल हम लोग यूज करते हैं। इस सिंबल को ऐसे लिखते हैं, ये सिंबल जो होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं, इज एन एलिमेंट ऑफ ऑफ, और इसको दूसरा क्या बोलते हैं कि बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। और इसी को अगर हम लोग क्रॉस कर देते हैं ऐसे, तो इसका मतलब होता है कि इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ऑफ, और डज नॉट नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, ये मीनिंग होता है। तो अब हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये इतना लंबा हमको, जैसे इसको लिखे कि कहेंगे कि वन इज एन एलिमेंट ऑफ ए, चाहे वन बिलोंग्स टू ए, तो लैंग्वेज में इतना लिखना पड़ेगा। तो हम लोग मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा सिंबल का यूज करते हैं। तो सिंबल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि जैसे वन बिलोंग्स टू सेट ए, वन आपका बी में नहीं है तो वन डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। ऐसे ही यहाँ पर सेवन है, सेवन इसमें नहीं है, चाहे सिक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसमें नहीं है। उसी तरीके से वहाँ पर देख रहे हैं कि सिक्स बिलोंग्स टू बी, ये बी में हो गया। तो डायरेक्ट जो एलिमेंट दिए गए हैं, तो उसमें अगर एलिमेंट उस सेट के अंदर में है तो हम लिख देंगे कि बिलोंग्स टू, अगर नहीं है तो लिखेंगे कि नॉट बिलोंग्स टू। तो ध्यान यही रखना है कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट जिस रूप में, जिस पैटर्न में लिखा गया हो, आपको उसी तरीके से लिखना है। अलग से कोई ब्रैकेट या कोई सिंबल उसमें नहीं लगाना है, तब वो डायरेक्ट एलिमेंट होगा। अब जैसे हम इसी को कह दें कि वन और एक ब्रैकेट दे दिए, और तब लिख रहे हैं कि बिलोंग्स टू ए, तो ये गलत हो जाएगा, ये नॉट बिलोंग्स टू हुआ। क्यों? वन तो इसके अंदर है, लेकिन हमने वन को एक सेट लगा दिया है, मिडिल ब्रैकेट लगा दिया है अपने मन से, जबकि इसके अंदर मिडिल ब्रैकेट नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन जो है यहाँ पर एक सेट बन गया मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखने से, ये अब एलिमेंट नहीं रहा। तो ये वन जब मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाए तो इसका एलिमेंट नहीं होगा, और अगर बेयर लिखा जाए तो उसका एलिमेंट होगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3, 4, तो डायरेक्ट अगर लिखा जाए कि 3 बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल भरने के लिए दिया जाए और बी लिखा जाए, तो आप बिलोंग टू लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, जबकि देख रहे हैं कि बी के अंदर ही कहीं ना कहीं 3 है, लेकिन यहाँ पर आप लिखेंगे बिलोंग्स टू तो गलत हो जाएगा, वहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू लिखना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? तो हम देख रहे हैं कि 3 बी के अंदर तो है, लेकिन वो केवल बी के अंदर डायरेक्ट नहीं है, बल्कि 3 और 4 एक ब्रैकेट के अंदर घिरे हुए हैं। तो जब हम इसी को लिखेंगे कि 3, 4 और एक ब्रैकेट देंगे, तब ये जा कर के इसका बी का एलिमेंट हुआ। ऐसे ही 7 है, तो 7 में एक ब्रैकेट से काम नहीं चलेगा,
सेवन को दो ब्रैकेट के अंदर, चूंकि बीच में भी दो ब्रैकेट दिया हुआ है सेवन में, तो सेवन को दो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तब आपका ये जा करके एलिमेंट होगा। तो कहने का मतलब कि क्या रिजल्ट हुआ कि किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं, पहले अगर आप रोस्टर फॉर्म में नहीं है तो रोस्टर फॉर्म में बना लीजिए, और बनाने के बाद देखिए कि जिस पैटर्न में, जिस फॉर्म में दिया गया है, अगर अंदर में जैसा है वैसे ही बाहर लिखा जाए तब वहाँ पर एलिमेंट होगा, यानी बिलोंग्स टू का साइन लगाना है। और अगर अंदर का एलिमेंट वो नहीं हो, या अंदर में दिया गया लेकिन अलग से उसमें कुछ ब्रैकेट दे दिए गए हैं, ऐड कर दिए गए हैं, तो उस कंडीशन में वो एलिमेंट नहीं होगा। अब इसके बाद बात आती है सबसेट की। तो सबसेट में हम क्या करते हैं कि सबसेट के लिए हम लोग सिंबल देते हैं कि ये तो एलिमेंट की बात हुई। अब सबसेट में क्या होता है कि सबसेट, तो सबसेट को हम डिफाइन करते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए लाई इन सेट बी, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। तो अब इसमें इफ ए एंड बी आर टू सबसेट, टू सेट्स सच दैट दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए लाई इन बी, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट of B, denoted as a subset of B, ऐसे लिखते हैं। ये सिंबल जो होता है ये सबसेट का सिंबल होता है। आज जो ऐसा केस नहीं हो तो सबसेट नहीं होगा, तो सबसेट नहीं होने पर क्या करना है कि इसी को काट देना है। तो जैसे अब यहाँ पर A लिखे हैं, एग्जाम्पल में मान लीजिए कि हमने लिखा कि ए इक्वल्स टू वन टू थ्री, और बी में हमने ले लिया वन टू थ्री फोर, तो हम आराम से कह सकते हैं कि क्लियरली ए सबसेट ऑफ बी। बट बी जो है बी नॉट सबसेट ऑफ ए, ये नहीं हुआ, क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी कहा गया तो ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो ए सबसेट बी हुआ। अब बी सबसेट ए की बात करते हैं तो बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, छूट गया है फोर, इसलिए ये सबसेट आपका नहीं हुआ। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ए जब सबसेट की बात की जाती है तो पहले सेट का सारा एलिमेंट दूसरे में होना चाहिए, लेकिन अगर दूसरे में एक्स्ट्रा हो तो भी ठीक है, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन पहले वाले सारा एलिमेंट मिल जाते हैं बाद में, तो उस कंडीशन में आपका सबसेट होता है। इसके बाद अगर दूसरे सेट में अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट निश्चित रूप से रहे तो उसको हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो प्रॉपर सबसेट में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, या सबसेट के और कुछ कोजेज हैं, टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड सुपर सेट है, सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ सबसेट है, इसकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक बस केवल आप एलिमेंट पर रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए, सबसेट और एलिमेंट में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है ये आप समझ गए कि सबसेट जब भी लिखा जाएगा तो जो अंदर के एलिमेंट हैं उनको वैसे ही लिख करके अपने मन से एक ब्रैकेट देना है। जैसे मान लीजिए कि इसमें ए के सबसेट पूछे जाएँ तो आप वन लिख करके ब्रैकेट दे दीजिए, टू लिख करके ब्रैकेट दे दीजिए, वन टू लिख करके इसका कोई भी, जैसे वन टू लिख करके ब्रैकेट दे दीजिए तो ये सबसेट हो जाएगा ए का। फिर ऐसे ही वन लिख करके भी ब्रैकेट देंगे ये भी सबसेट हो जाएगा ए का। तो हम लोग
एक एक बहुत सारे सबसेट बना सकते हैं। तो अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ए में कितना होगा, तो ए में अगर मान लीजिए कि एन नंबर है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है किसी सेट में, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट की संख्या होती है 2 to the power n, यानी हम लोग लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग हैविंग n एलिमेंट्स एलिमेंट्स इक्वल्स टू हो जाता है 2 to the power n। यानी अगर पूछा जाए कि सेट ए में यहाँ पर 5 एलिमेंट हैं तो इसके टोटल कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो इसमें हम 2 to the power 5 करेंगे, यानी 32 सबसेट इसके बनाए जा सकते हैं एक सेट लेकर के, एक से अधिक सेट लेकर के। तो अब उसके बाद सेट के और टॉपिक्स की चर्चा हम लोग अगले लेसन में करेंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रैक्टिस करके आप फ़ायदा उठाइए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।